तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, एंड यहाँ पे नितिन अभी स्कूल गया है। तो मैंने बताया है अभी एक लैपटॉप स्टैंड था, क्योंकि लैपटॉप हीट होता थोड़ा बहुत, एक तो होता नहीं है, तो 3 साल की वारंटी पर तब मैंने उससे स्टैंड मंगा लिया। तो स्टैंड को अनबॉक्स करते हैं। ये है स्टैंड, बोला पेन से खुलेगा, पेन से चक्कू से कर देते ना। कैंची ले लेना उधर से। गाइस, ये लैपटॉप स्टैंड निकल चुका है। ये क्या है? अरे वाह, ये स्टैंड। अच्छा, कितनी भी साइड से कर लो। पूरा सेटअप ऐसे दिखाया जाए, यहाँ पे फ़ोन लग गया यहाँ पे ये, और ऐसी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पे पीछे जर्मी निकले, जर्मी बाहर रही हवा में, ये फ़ायदा है इसका। और ना तो यही किसी है, अब मोबाइल खड़ा हो साथ में। ये है 300 का, सही है। अभी तो धारी पे ले आए हो, फ्लिपकार्ट से पे लेटर से लिया है हमने, इसी पेमेंट बाद में जाएगी। तो गाइस, घर में सब बिजी है अपने अपने काम में, कोई आज व्लॉग में आ नहीं पाया, तो मैं अकेले ही व्लॉग बना लेता हूँ। वहाँ वैसे भी रात हो चुकी है, बाहर चलते हैं, बाहर जाता हूँ मैं, कहाँ कहाँ घूमता हूँ आज। और वहाँ से आगे बढ़ के मैं यहाँ पर इस एरिया में मैं अपने दोस्तों साथ, दोस्त नहीं भाई भाई के साथ घूमता हूँ यहाँ तक इधर, और इधर मैं कभी कभी खड़ा हो जाता हूँ रात वात में, कभी गर्मी अच्छी तो हवा हवा लेने के यहाँ जाता हूँ। और ये है मेरी पीछे वाली गली, यहाँ से स्टार्ट होती है। इस गली में आप ज़्यादातर सन्नाटा ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मज़ा आता है, सन्नाटा ही रहता। यहाँ पर जब भी खड़ा जाता हूँ, यहाँ पार्किंग है पीछे, घर पे जैसा बिजी है तो मैं ऐसे अपना आप ही ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि परेशान करना। तो भाई इस बीच चल रहा है कूलर, आज मैं ब्लॉग कम बना पाया, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम डेली सेम चीज़ रहते हैं, तो मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, कुछ नया करते हैं तो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। एंड अभी 10:30 बजे में पापा 1 घंटे बाद आने वाले हैं, बट मुझे नींद आ रही है, एंड कल मुझे जाना है दवाई लेने नाक, क्योंकि ये पिंपल हो रहे हैं, हर बार नाक पर ही होती है। तो कल जाऊँगा मैं अस्पताल NMH मुराद नगर के पास, सॉरी मुराद नहीं, विजय नगर के पास जो, वहाँ पर जाऊँगा घर में, फिर वहाँ से दवाई ले जाऊँगा। तो सो जाता हूँ अभी, तो यह ब्लॉग थोड़ा छोटा रहा, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा आएगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना, एंड स्टैंड कैसा लगा वो बताना। और हाँ, आप भी कह सकते हो अमेजोन पे लेटर या फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़, वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड साइनअप करिए, लॉगिन कर लो OTP के साथ, उससे आपको लिमिट मिलेगी, आप कितने रुपये सामान ले सकते हो। तो मेरी लिमिट मिली थी 20,000 रुपये की, 20,000 सामान ले सकता हूँ वहाँ से मैं, एक तरह से विदाउट EMI, मतलब EMI लेते बट नो कॉस्ट EMI वहाँ पर। तो आप भी अपने जो मतलब आपके कार्ड के लिमिट के हिसाब से होगा कितने रुपये मिलेगा, किसी को 500 मिलता है, 2,000 मिलता है, 1,000 मिलता है, मेरे थोड़ा ज़्यादा मिला, कि मेरी लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से लिमिट, जितनी अच्छी लिमिट होगी आपकी
उसमें अच्छा आपको पे बैलेंस मिल जाएगा, तो आप उसे शॉपिंग करके अगले मंथ पेमेंट कर सकते हैं। और कैसे लगी तो वीडियो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे। गुड नाइट, खड़ा।